महाराष्ट्र मध्ये बोलना पहले मराठी में बोलूंगा फिर हिंदी में भी बोलूंगा, आप चिंता मत करिए। आप बोलो तो अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब में बोलो। आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला संपूर्ण बहुमत दिलं आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला संपूर्ण जनादेश देत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून 105 जागा दिल्या। आम्ही शिवसेनेच्या सोबत ही निवडणूक लढलो। हमें सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते 105, हमारे पास 105 विधायक है और हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। भारतीय जनता पक्षाने लढलेल्या जागांपैकी 67-70% जागा आम्ही जिंकलो, शिवसेनेने लढलेल्या जागांपैकी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जगहें लड़ी उसमें से 70% जगहों पर जीत हासिल की है। महायुतीला जनादेश तर होता पण तो भारतीय जनता पक्षाला अधिक मोठा जनादेश होता आणि या जनादेशाचा शिवसेना के साथ हमारे गठबंधन को जनादेश था। जनतेच्या मनातलं सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला। दुर्दैवाने जी गोष्ट कधी ठरली और इसी जनादेश का सम्मान करने के लिए हमने सरकार स्थापना की कोशिश जो है महाराष्ट्र में की थी कि नंबर गेम असा आहे कि ज्या नंबर गेम मध्ये आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढू शकते आणि म्हणून पहिल्या पत्रकार परिषदेपासून शिवसेना की जब ये लक्ष्य में आया कि नंबर गेम की वजह से वो बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ा सकते हैं, उसके बाद से ये सारा खेल हुआ। कभी ही ठरली नो, हमारे पास सारे विकल्प खुले, ये शिवसेना ने कभी कहा था। मुख्यमंत्री पद भाजप देईल असं ठरलेलं नव्हतं, जे आमचे नेते अमित भाई शाह यांनी स्पष्टपणे घोषित केलं। नव्हे तर निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री पद कभी भी शिवसेना को नहीं दिया जाएगा, ऐसा भाजपा ने तय किया था। ये हमारे नेता अमित शाह के साथ ये तय हुआ था और इस किस्म का आश्वासन कभी शिवसेना को नहीं दिया गया था। बाबींचा बाऊ करून आता हे ठरलंय आणि आम्हाला हे हवंय अशा प्रकारे, आणि तुम्ही देणार नसाल तर आम्ही कोणाही सोबत जाऊ शकतो अशा प्रकारची जिथे धमकी भारतीय जनता पक्षाला दिली, त्याच्यावर भारतीय जनता पक्षाने तात्विक भूमिका मांडली। जे ठरलंय ते देऊ, जे ठरलं नाही ते देणार नाही। अनेक दिवस आम्ही त्यांची वाट बघितली। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका रखी और ये कहा कि हमारे बीच में जो तय हुआ था हम उसी के हिसाब से चलेंगे। मुख्यमंत्री पद कभी भी शिवसेना को देने की बात नहीं की गई थी। जे लोक मातोश्रीवरनं बाहेर पडत नाही ते अनेकांच्या पायऱ्या झिजवत होते, अनेकांसोबत बसत होते, पण आमच्याशी मात्र ते बोलत नव्हते। आणि अशातच असेंब्लीची मुदत संपल्यामुळे त्या ठिकाणी आम्हाला पहिल्यांदा गव्हर्नरनी बोलवलं आणि आपण सत्ता स्थापन करा असं सांगितलं। शिवसेना आमच्या सोबत नसल्यामुळे आमच्याकडे नंबर्स नाहीत हे सांगून आम्ही सत्ता स्थापनेला नकार दिला। त्यानंतर शिवसेनेला बोलवलं, शिवसेनेने नंबर्स आहेत असं भासवून त्या ठिकाणी जाऊन आपलं काय हसं करून घेतलं ते संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय संबोधित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शिवसेना ने अपने विकल्प खुले रखे थे। वो ये भी कह रहे हैं कि जनादेश का अपमान करते हुए, जनादेश के खिलाफ इन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता स्थापना की कोशिश की। चर्चा शुरू होते कि तीन जन मिलन हमें सरकार तैयार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बहुत दिनों तक जब कोई पार्टी सामने नहीं आई, कारण तब बीजेपी की तरफ से पहल की गई थी। तीन अजीत पवार को
के साथ एक सत्ता स्थापना जो है ये की जाएगी, ऐसा देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। संबंध नहीं, अशे पक्ष एकत्रित होऊन सत्ता स्थापनेचा मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार करते। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये वो दो पार्टियां, ये वो पार्टियां थी जिनकी आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा भी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं थी, लेकिन सत्ता स्थापना के लिए ये पार्टियां एक साथ आई और इनकी कोशिश ये थी कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता से दूर रखा जाए। ये संबोधन है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, वो सारे घटनाक्रम कह के सुना रहे कि किस किस्म से चुनाव हुए, जनादेश किसके पक्ष में आया और किस किस्म से सारे घटनाक्रम हुए हैं। यांनी आम्हाला सत्ता स्थापना, अब देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के बारे में संबोधित कर रहे हैं, त्या ठिकाणी सहकार्य करायचं ठरवलं, त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली आणि त्या चर्चेच्या अनुरूप त्यांनी आम्हाला ते पत्र दिलं। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस से हमारी चर्चा हुई थी और सत्ता स्थापना के लिए अजित पवार से हमारी चर्चा हुई थी और सत्ता स्थापना के लिए अजित पवार ने हमें समर्थन देने का वादा किया था। आणि उद्या बहुमत या ठिकाणी साबित करायचं आहे, त्यावेळी अब हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है कि काही कारणाने मी या अलायन्स मध्ये कंटिन्यू होऊ शकत नाही, मी या ठिकाणी राजीनामा देतो आहे आणि त्यांनी त्यांचा राजीनामा मला सुपूर्द केला आणि त्यांचा राजीनामा आल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इसके आगे अब चर्चा नहीं हो सकती, फैसले के बाद काफी हतोत्साहित थे और इसी वजह से अजीत पवार ने राजीनामा मतलब इस्तीफा देने का फैसला किया। आम्ही कुठलाही घोडेबाजार करणार नाही, संपूर्ण राष्ट्रीयवादी काँग्रेस पक्षाचा गट हा आमच्या सोबत आल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस से दावा कर रहे हैं कि हम कहीं पे भी खरीद फरोख्त की कोशिश नहीं करेंगे, त्यावेळी आम्ही देखील हा निर्णय घेतला। उन्होंने अजित पवार के इस्तीफे की बात की पुष्टि कर दी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सत्ता स्थापना की कोशिश में वो कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त की कोशिश अपनी तरफ से नहीं करेंगे। जाणार आहे आणि माझा राजीनामा त्या ठिकाणी सोपणार आहे। खरं म्हणजे आता जे सत्ता स्थापन करणार आहेत त्यांना माझे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आणि मला विश्वास आहे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे घटनाक्रम पर नजर रखने के बाद, सारे हालातों को देख लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, साथ ही अब सत्ता स्थापना करने वाली पार्टियों को वो शुभेच्छाएं भी दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बीते कई दिनों से जितने भी घटनाक्रम थे उस पर उन्होंने नजर रखी हुई थी, वो आश्वस्त थे कि पार्टी सरकार बना लेगी। अजित पवार की तरफ से उन्हें समर्थन मिला था क्योंकि उस समय अजित पवार विधायक दल के नेता थे, इसी वजह से वो मानकर चल रहे थे कि एनसीपी के 54 विधायकों का समर्थन बीजेपी को है, लेकिन इस किस्म से चीजें आगे बढ़ी नहीं है और अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं मुख्यमंत्री पद से, अब वो उतर चुके हैं और साथ ही अब जो विपक्षी खेमा है मतलब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इस खेमे को वो शुभेच्छाएं दे रहे हैं कि अगर वो सत्ता स्थापना के लिए आगे आना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं, उन्हें देवेंद्र फडणवीस की शुभकामना है। तो कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित होता है कि किस तरीके से बीजेपी ने अब अपने घुटने टेक दिए हैं, जो जद्दोजहद थी बीते कई दिनों से जो चल रही थी सत्ता स्थापना को लेकर, एनसीपी के अजीत पवार को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश की गई थी, अब वो कोशिशों का अंत हो चुका है, हताशा हाथ लगी है बीजेपी के और इसी आशय का संबोधन वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं।